कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मिला राम राम। संगवारी हो आप मन जानत हो कि वैज्ञानिक ढंग ले खेती करना, नया तकनीकी ले खेती करना यानि लागत कम करना, आमदनी ज़्यादा पाना। संगवारी हो आज हम एक ऐसे फसल के बारे में चर्चा करबो जेन लगे थे मिर्च। मिर्च के कई किस्म होते लेकिन मिर्च ले वैज्ञानिक ढंग ले नेट हाउस में कैसे ढंग ले ओकर उत्पादन करना चाहिए। नेट हाउस आजकल हमर किसान भाई मन के मांग है। नेट हाउस में कोई फसल ला या मिर्च ला जब आप मन खेती करत हो तो ओमे कोई प्रकार के रोग राय वायरस फंगस कीट पतंग लगे के डर नहीं रहा है। काबर वो नेट के अंदर है और बाहर वातावरण से कोई प्रकार के बोला रोग राय नहीं लग सके। एक अच्छा वातावरण में वो मिर्च के खेती नेट हाउस के द्वारा करे जा सकते। संगवारी हो नेट हाउस में मिर्च के खेती कैसे ढंग ले करन एकर चर्चा हम करबे करबो। लेकिन हमर किसान भाई मन नया नया तकनीकी वैज्ञानिक मन के द्वारा ईजाद किए हुए फसल है या जो भी पशुपालन है, मछली पालन है या कोसा पालन है, ऐसा बात के विशेष विशेष बात ला हम एक खास खबर में लेके आथन। तो आव देखन किसान भाई हो एक खास खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी जो इकाई है उसको छोटा कर दिया गया है, यानी कि ग्राम पंचायत को इसमें इकाई माना गया है। अब एक जो है तहसील के अंदर में 5, 10, 8 जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं, अब वो जो स्तर है तहसील का उसको नीचे करके ग्राम पंचायत कर दिया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करने के लिए अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पर आकलन करेंगे तो लोगों को मिलने का, इसमें दावा मिलने का प्रावधान अच्छा बनता है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या फसल कटाई के बाद भी इसके अंदर कोई प्रावधान है। जी बिल्कुल प्रावधान है। फसल कटाई करने के 14 दिन के अंदर अगर पूरे पैन इंडिया लेवल पर यानी कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर कोई ऐसा जो है अनसीजनल रेनफॉल या ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आती है जो कि नॉर्मल नहीं होती, जैसे कि हुदहुद आया था आज से 2 साल पहले, इस तरीके का कोई चक्रवात या कोई इस तरीके का अनसीजनल रेनफॉल आता है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत स्तर पर नुकसान होता है, तो उस स्तर पर अगर खड़ी फसल के बाद जो कटाई का होता है उसके 14 दिन के अंदर भी हम इसके अंदर में कवरेज करते हैं। संगवारी हो संदेश अच्छा लगी सुना। संदेश के बाद एक घाव आप मन के पुनः स्वागत करत हमें यहाँ कृषि दर्शन कार्यक्रम में। संगवारी हो आज हमन रायपुर जिला के विकास खंड आरंग में पाहंडा गांव है, बड़ा सुंदर गांव है संगवारी हो। और यहाँ के गांव में बसैया किसान मन बड़ा सुंदर है, बड़ा मयारू है। हमार मयारू किसान है, उन्नत कृषक है चंद्रशेखर मुकाशदार जी। ओकर पाली हाउस में अभी मिर्चा के आधुनिक खेती वो करत है। उन्नत कृषक हरे, किसान मन पर प्रेरणा स्रोत हरे संगवारी हो। आवा ओकर से गोट बात करथन कि पाली हाउस में मिर्चा के खेती से कतेक लाभ है और का हमला सावधानी बरते ले पड़ते। संगवारी राम राम। राम राम। सब बने बने हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम में। चंद्रशेखर भाई, ये जानना चाहते हैं हमें यहाँ कि पहली हमार किसान मन छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेती करें धान के कटोरा की धन हमन है, लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि वो धान के कटोरा में अब साग भाजी दलहन तिलहन फल फूल सब वो थोड़ा थोड़ा रखा आगे हो थारी में कटोरा में। आप का मानते हो पहली के किसानी अब के किसानी में फायदा है कि बस कुछ विशेष है? दोनों ला मिक्स करना चाहिए मोर हिसाब से। केवल केवल धान ही है या केवल सब्जी ही है, जहाँ तक हो सके दोनों के अगर कॉम्बिनेशन बना सकें तो ज़्यादा ठीक रहते। और किसान मन एक होती आगू भी बढ़ा थे जिसे आप उन्नत कृषक हरो तो एक छोटे मंझोल किसान जो कार्यक्रम में देखा थे वो मन के प्रेरणा भी मिलते कि उन्नत कृषक बड़े किसान मन जब इसे कर सकते हैं हमारे बर गजब अकन योजना तक वो चले थोला भी लाभ उठाए। मिर्चा के जिसे खेती आप करत हो पॉली हाउस बनाए हो ग्रीन हाउस बना के बहुत से किसान मन भी करे थे तो एक से का फ़ायदा होते? सबसे पहले फ़ायदा तो ये होते कि ऑफ सीजन में घलो लगा सकता। पहली बात तो ये है जैसे जून में एक रोपा किए जाते नॉर्मल तो ये हम मई में कर सकते हैं। काबर ये अंदर में शेड है, अंदर में उतका धूप नहीं आया, अंदर के और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहते, मतलब कम से कम 7-8 डिग्री के फ़र्क तो ये अतकम में पड़ जाते। तो जो टेम्परेचर हमला जून में मिलने वाला है वो मई में मिले के संभावना हो जाती। तो हम एक महीना पहले चलथन तो मार्केट के हिसाब से
और रेट रेट मिले के हिसाब से तो हमन जल्दी ओला लगा सकतन। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ये। और दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होते। अच्छा। मतलब बाहर के जो हमन लगाथन ओपन में ओकर मुकाबला यहाँ पर हम लोग हमको कम से कम 3 गुना से 4 गुना तक उत्पादन हम ले लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फरवरी के आसपास हमारे जैसे फसल समाप्ति के आ जाते तो शेड होने की वजह से वो 1 महीना आगे 1.5 महीना आगे और निकल जाते। हाँ, मतलब ज़्यादा दिन तक ले सकते, मतलब होली के ओपार घलो रामनवमी तक घलो हमन फसल ले हन। एक पहले जो आचारी मिर्चा लगे रही से अब ये तो लौंगी है, लेकिन एक पहले आचारी ले गए तो हमन तो रामनवमी तक खींच रहे हैं। हाँ ऐसे रही। तो चंद्रशेखर भाई आप ये बता था कि पॉली हाउस बना के अगर खेती करे जाए तो बहुत सारा जो हमार कोनो भी पहली के खेती करे के समय रहा है ओला हमन बिना कोनो भी समय के कर सकत हन। जब टाइम पीरियड जो वातावरण है तापमान है ओला हमन अपन हिसाब से जो फसल के हिसाब से रख सकत हो। ये बहुत अच्छा बात है। जिसे आजकल मल्चिंग लगाए हो, ड्रिप इरीगेशन टपक सिंचाई के साधन मिले हैं, तो किसान मन जो छोटे किसान मन देखते थे मना लागते भाई चंद्रशेखर भाई तो बड़े किसान है, हमन कहाँ कर सकबो ये बात ल। तो आप ओ मल्ला भी बताते हो कि ऐसे कुछ बात नहीं है, एक बड़े किसान हो छोटे किसान है, कुछ कुछ किसान मन भी कर सकते छोटे किसान मन ला। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मल्चिंग और जो ड्रिप इरीगेशन जो कथन वो तो ऐसे ओला एकर ऐसा में कोई बात नहीं कि बड़े बड़े कर सकते या छोटे, ऐसे कोई बात नहीं है। काबर ये में सबसे बड़ी बात मल्चिंग अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये में निंदाई के समस्या समाप्त हो जाती है सबसे पहली बात। और दूसरा जब ड्रिप में है तो ड्रिप में मैं सिंचाई ही दे सकता जो पहले पौधा से लेकर आखिरी पौधा तक एक साथ पानी सबला मिलते। अगर कोई वजह से आपके यहाँ बिजली की कमी है, वैसे छत्तीसगढ़ में तो नहीं है लेकिन किसी वजह से कमी है तो 1-2 घंटे के अंदर पूरे खेत को पानी एक बटन चालू करके हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात वो है। अच्छा, खातू ये में से दे सकता हमन सबसे बड़ी बात कि खातू यहाँ से हर पौधा ला हर जड़ के पास खातू मिलते। तो सब बहुत में ये सब चीज़ों में बहुत सारा फ़ायदा है। और लेबर बचते तो चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, लेबर का खर्चा तो फिर सबके बचना है। सही बात, तो मैं बड़े छोटे के कोई ऐसे ये नहीं रहा है। तो ये अच्छा बात है, किसान है यही सोच ले कि मैं छोटे हरा नहीं कर सकूं, ये सोच ले हटाना चाहिए। जब वो कर सकते तो मैं काबर नहीं कर सकूं, ये सोच होना चाहिए मोर को दिले। अच्छा ये बता दे चंद्रशेखर भाई जी से, अब आधुनिक तरीका से हम खेती करत हन, पूरा नेट हाउस लगाए हैं, तो रोग राई के भी कुछ समस्या में बांच सकत हन कि कुछ समस्या जैसे खुला तौर पर खेती करत हन तो वो में भी जैसे रोग राई लगे की संभावना रही थी, तो का ये में हमारे रोग राई की समस्या बांच जाते? हाँ, इसमें कीड़ा मकोड़ा के समस्या से काफ़ी हद तक बचत हो जाते। कबर ओपन नहीं है, पूरा बंद स्ट्रक्चर है तो उतना कीड़ा मकोड़ा जो है इतना फ्रीली नहीं घूम सके। कबर पूरा बंद केवल दरवाजे पर खुले हैं, बाकी तो पूरा चारों मोड़ा बंद है, तो मैं कोई कीड़ा से काफ़ी कुछ बचत हो जाते हैं। कुल मिला के कहान कि बहुत ज़्यादा फायदा के भी खेती है नेट हाउस में बना के करे जाए तो चंद्रशेखर भाई आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे हो। नेट हाउस में मिर्चा के मसाला के जोन खेती होते, मिर्चा जेकर बहुत ज़्यादा मांग रही थे, ओकर खेती कैसे करना चाहिए हमारे किसान मन लाभ बताए हो, आप समय दे हो एक बार, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और समय मिल ही तो आपसे हम बेरा को बेरा गोड़ बात करबो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। संगवारी हो देखे हो चंद्रशेखर भाई बतावा थे ओकर नेट हाउस में हमन खड़े हैं, मिर्चा के आधुनिक खेती वैज्ञानिक खेती करत है। संगवारी हो विज्ञापन के बेरा हो गए है, आवा एक सुघर कन ले विज्ञापन देखन। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरको भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है, अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC। ACABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाए स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। ए लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद, किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डाले। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूले। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरुण निर्मलकर भाई है, बहुत फुरिया फुरिया के किसान ला पूछा थे कि नेट हाउस कैसे ढंग ले बनाए, नेट हाउस कहाँ से मिली, ओकर वैज्ञानिक तकनीकी का है, नेट हाउस में मिर्च के वैज्ञानिक खेती आप करत हो तो मिर्च के किस्म का है और वैज्ञानिक ढंग ले जाओ आप खेती करत हो तो नेट में का का फायदा है, नेट में विकटकन फायदा है, तेला किसान भाई बतावा थे, आवा सुनन। संगवारी हो, हमन अभी चर्चा करत हन मिर्चा के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान मन तो अपन हिसाब से करबेज करते संगवारी हो, लेकिन कोनो भी फसल होवे, कोनो भी तैयारी हम करन, विशेषज्ञ मन भी बहुत अच्छा बात ला बताते। अभी हमर तीर खड़े है ललित कुमार वर्मा जी, उद्यान अधीक्षक हरे पारागांव नर्सरी के। वो बताते कि वैज्ञानिक खेती के इस किसान मन ला कैसे करना चाहिए। आवा उकर से गोट बात करथन कि मिर्चा के आधुनिक खेती जो पॉली हाउस बना के किसान मन करे तो का बात के सावधानी रखे। आवा गोट बात करथन। वर्मा जी राम राम। राम राम। वर्मा जी, ये बताते जिसे पहली हमन का करन, परंपरागत रूप से खेती करन, सोझे अपन खेत में बो देवन। बहुत से किसान मन अब जागरूक हो गए हैं, जिसे अभी खड़े हन, जिसे पॉली हाउस बने थे, मिर्चा खेती करत है किसान मन है। तो आप ला का लगते है पहली के परंपरागत रूप से खेती किसान मन करे, अब आधुनिक खेती होवत है, ये ज़्यादा फायदा बात है? खेती तब होते इस मिर्ची के और आज भी होते मिर्ची खेती होते, मगर अब फर्क ये आगे है कि संरक्षित खेती के तहत हम मौसम बेमौसम में मिर्ची तबो लेते रहें, मगर कब लन, जब सब फसल कट जाए। ये सीजन में मिर्चा नहीं रहा है, मिर्चा आए भी बाहर से बहुत कीमती आए। अब छत्तीसगढ़ के किसान मन भी संरक्षित खेती के तहत कोई भी मौसम में कोनो भी फसल ले के कार्यक्रम, गर्मी में धनिया ले लेते हैं, बरसात में धनिया ले लेते हैं, गर्मी में मिर्ची ले लेते हैं, बरसात में मिर्ची लेते हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए, जैसे आधुनिक खेती का हम बात कर रहे थे मसाला के, मिर्चा के खेती के बारे में, तो जैसे मल्चिंग लगे है, पाइपलाइन बिछाए हैं और चारों कोती जो शेड लगे है, नेट हाउस बनाए हैं, तो ये में तो ऐसे लागत था मन देखा था, खर्चा बहुत बढ़े है, तो छोटे और मंझोल किसान ये कैसे करिए, और अनुदान जिसे मिलना है तो कैसे कुछ प्रक्रिया है अपन विभाग की ओर से सरकार को तिलिहुल बताते किसान ला। मैं किसानों की के ओखर वो प्रूफ लाए लगते, तो प्रूफ लाए लगते मतलब बीवन के नकल लाए लगी, जब ते यहाँ किसान है तोर खेती है बीवन के नकल रही, तोर जमीन के नक्शा रही, खसरा रही, तो वो ला प्रूफ करे बर बीवन के नकल, नक्शा, खसरा ले के हमार विकासखंड कार्यालय में हमार पास आए लगते किसान ला, ओखर प्रकरण बनाथन। अब प्रकरण ला हमन ह जिला कार्यालय भेज देथन, वहाँ जैसे ही वो प्रकरण पास होका थे किसान यहाँ ये सब शेड नेट हाउस बने शुरू हो जाते, जौन योजना में वो 10% जमा करना है तो उनमें 10% जमा करे लगते, 20% जमा करना है तो उनमें 20%, 25% जमा करना है 25%, जैसे ड्रिप लगा है 40%,
तो ड्रिप स्कीम में भी अब समझ जाओ कि किसान ड्रिप लगाना चाहते तो 100% में 60% किसान ला जमा करे लगी, 40% जमा करे लगी, 60% शासन अनुदान देते। सेडनेट की स्कीम है या आई 50% की स्कीम, मगर जतका ओखर राशि 50% के किसान के खर्च आना चाहिए ओमें 10-5% जमा करके एक्स्ट्रा ला, बाकी वोतका में सेड अभी तैयार करके दे गए किसान मन ला। और हर प्रकरण बनाए लगते, मतलब बोल किसान ला, बोल किसान ये बोलते कि अरे बहुत पिचकाट नहीं रे भाई, तें किसान हस्ते खर हमार तिर सबूत ला, तें बीवन नकल लिया, ऋण पुस्तिका लिया, नक्शा लिया, खसरा लिया, अब तो प्रकरण बन जाए, प्रकरण में हस्ताक्षर करके भेज दे पास हो कहीं। अच्छा वर्मा जी, अब ये बताओ, जिसे शेड लगा के या पाली हाउस बना के जब हम खेती करन तो का लगते कि बाकी जो न रोग राई है या सिंचाई के प्रबंधन, पानी के कमी हमला महसूस होते, पानी भी हमला देना है और कुछ खाद भी देना है, तो ये सब सुविधा हमला अच्छा से तरीका से यहाँ मिल सकते, कैसे कैसे अगर प्रबंधन करवो? सिंचाई सुविधा बारे में ड्रिप लगे है, ड्रिप सिंचाई स्कीम लगे है और उखरे तहत में सिंचाई होते, और ड्रिप लगे है और पॉलीथीन से ढके है, मतलब कचड़ा नहीं हो, अंदर में ड्रिप लगे तो घर से सिंचाई के पूरा व्यवस्था हो जाते। सिंचाई के साथ साथ में ऐसे घुलनशील खाद आ गए है आजकल, जैसे 19-19-19, 20-20-20 ये टाइप के खाद आ गए है, जेखर से ओखर एनपीके के मात्रा ला भी पूरा ओखर किए जा सकते। अच्छा रहा सवाल अब में कीड़ा मकोड़ा कंट्रोल के, तो कीड़ा मकोड़ा कंट्रोल जो है, पहली कंट्रोल तो एफिड जैसी थ्रिप्स वगैरह से, ये नेट है तो नेट के अंदर ऐसे भी कीड़ा के प्रवेश वर्जित हो जाते। अच्छा कीड़ा प्रवेश वर्जित हो गए मतलब वही वाहक है काखर बीमारी के, फफूंद वाहक, तो फफूंद के वाहक भी है, बैक्टीरिया के वाहक भी है, तो कीड़ा तो इंसेक्ट कंट्रोल होते, ओकर साथ साथ फफूंद के कंट्रोल होते, बैक्टीरिया कंट्रोल होते, काबर वाहक ही नहीं आही तो कौन लाही यहाँ कीड़ा बीमारी ला। हाँ ओकर बावजूद आ गए तो बहुत कम दवाई में काम किसान के चल जाते, ऊपर फागर लगे है, वो ऊपर से पानी से भी यहाँ के टेम्परेचर कम किए जा सकते, तो ऊपर फागर रिथे, नीचे ड्रिप रिथे, मल्चिंग रिथे, तो ये सारा सुविधा अभी तक किसान ला हमन देता हन। एक एकड़ के एक यूनिट देथन, छोटे किसान हो गए बोलो आधा एकड़ के यूनिट दे देथन, बहुत छोटे है अतेक बड़ी यूनिट ला का करूँगा कहा, तो आधा एकड़ में दे देथन, तो ये टाइप के अभी तक संचालन होते हैं। तो वर्मा जी ये बहुत अच्छा बात है, किसान मन जो आज हमारे कार्यक्रम में देखा थे ते मन ला भी पता चली कि सरकार कोती ले किसम किसम के योजना चला थे और आधुनिक खेती भी करा थे किसान मन। अच्छा ये बताते जिसे हम सोझे खेत में खेती करथन तो बहुत सारा हमला जिसे आप बता था कि नेट हाउस से कतेक फायदा है, अब ये भी मन में बात आते कि भाई सोझे खेत में अपन कोनो भी फसल लेथन तो बात आते कि जमीन के तैयारी, माटी के चयन, माटी के उपचार, माटी के परीक्षण, तो का हम नेट हाउस में खेती करबो तो ये सब चीज़ से हम बात सकथन कि ये वो सुविधा ले पड़ी हमला का है? बरसात में खेत की तैयारी नहीं हो सका है, जब आपके नेट हाउस है, आप लोग मांदा बनाना है तो ये सब कार्यक्रम ला पानी गिरे के पहले अपन मांदा वांदा जुताई करके, मांदा खिंचाई करके ये सब रेडी रखे लगते। बरसात में एकाएक भाई हल चल भी जाए, ट्रैक्टर चल भी जाए, रीजर के भी प्रयोग करबो तो कीचड़ है मांदा नहीं बनाए, मतलब वो गड़बड़ करते, तो गर्मी के लास्ट लास्ट में बरसात के पहली ये सब तैयारी कर ले जाते, मांदा खिंचाई काम कर ले जाते, ज़्यादा है तो अपन वो मल्चिंग सीट भी ढक के छेद के रखे थन, थरहा अलग जगह देवो, थरहा ये भी सुविधा हमन किसान मतलब दे थन, अभी हाई वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेशन के तहत अभी हमन टमाटर का थरहा भी बांटा थन किसान ला, तैयार पौधा नर्सरी में हाइब्रिड के तैयार पौधा भी किसान मन ला दे थन, सेडनेट हाउस वाले मन ला भी खीरा के पौधा दे रहे, अभी टमाटर के भी पौधा दे थन, उगे उगाए पौधा रेडीम दे थन, तो ये सब सुविधा अभी किसान मन ला बहुत सारा सुविधा दे जाते छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। वर्मा जी आप मन है किसान मन ला बहुत सुघर जानकारी एक विशेषज्ञ के नाते दे हो कि पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, नेट हाउस बना के खेती करे तो 4 गुना ज़्यादा लाभ किसान मन ले सकते है। आशा है आपके बात ला बिल्कुल किसान मन धरी और आप हमारे से गोड़ बात करे हो, किसान मन ला जानकारी दे हो, तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय जोहार।
संगवारी हो देखे हो, ललित कुमार वर्मा जी उद्यानिकी अधीक्षक हरे, वो बतावत है कि आधुनिक खेती कर के कतेक लाभ आज के समय में किसान मन ले सकत है। ओकर कहना है जतका लागत आपके लगे है संगवारी हो, एक एकड़ में नेट हाउस लगे तो लगते देखथन पूरा खेत ला तो ऐसे लागते कि बहुत खर्चा है, लेकिन ओकर खर्चा है आप ला चार गुना भी आप ला फायदा दी, यही बात है संगवारी हो। तो आशा है आपके जो हमने आज कार्यक्रम में बताया है तो अच्छा लगी सो ही। संगवारी हो, अब बेरा हो गए एक ठन गीत संगीत सुने के, काबर मनोरंजन तक जरूरी है, तो ले वो सुनाओ गीत संगीत। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए। जाए के पहले हम आप मन ला अपन पता बता दन, पता ला जरूर नोट करो। पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर, पिन नंबर है 492007। तो जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।